हाय एवरीवन मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बी पाठशाला जीके एंड जीएस की जो एक सीरीज़ चल रही थी दिस इज़ फोर्थ नंबर फोर्थ सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज़ एंड इफ़ यू आर अगर आप बी पाठशाला पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको सभी एजुकेशनल कंटेंट्स और वीडियोज प्रोवाइड हो सकें एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल आवर प्रीमियम कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द नंबर विच इज़ बिंग फ्लैश ऑन द स्क्रीन एंड द नंबर इज नाइन फाइव वन नाइन थ्री एट थ्री टू सेवन टू सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम लोग बीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो so देखते हैं पहले क्वेश्चन को एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच साइड ऑफ सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ प्लाउड हैज़ बिन फाउंड मतलब सैंधवकालीन सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है तो सैंधवकालीन सभ्यता में जो कालीबंगन जगह थी यहाँ से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदांग्स वेदांगों की संख्या कितनी है तो इसमें अब मैंने कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट ही ऑप्शन उप्षय, ऑप्शन हटा करके डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है कि वेदांगों की जो संख्या है वो है छः और वो हैं शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष एवं कल्प एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बाय विच किंग पाटलिपुत्र वाज़ एस्टेब्लिश किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र यानी पटना शहर की स्थापना की गई तो दैट इज उदयन उदयन स्टैब्लिस्ड पाटलिपुत्र ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर इज त्रिपिटक इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ आप लोगों को पता होगा त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु इज़ राइटर ऑफ बीजक बीजक के रचनाकार कौन है तो जो बीजक है इसके रचनाकार हैं कबीर दास जी तो सही आंसर हो जाएगा कबीर इज द राइटर ऑफ़ बीजक क्वेश्चन नंबर सिक्स इज लावणी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आई विल बी वेटिंग फॉर दैट सो फॉर दिस क्वेश्चन और राइट आंसर विल बी महाराष्ट्र क्वेश्चन नंबर सेवन इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज इन विच सिटी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है तो भारत के दक्षिणतम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर सो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि उत्तरी बिंदु को हम क्या कहते हैं तो जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल ओके ठीक है सरक्रिक इज़ द आवर वेस्टर्न पॉइंट एंड कीवीथू इज इस आवर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर नाइन इज साइलेंट वैली इज इन विच स्टेट किस राज्य में शांत घाटी स्थित है तो शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है मगर आप इसको इस बात का ध्यान रखेंगे कि शांत घाटी की जब बात आएगी तो वो केरल में स्थित है ठीक है और वहीं बात आती है अगर फूलों की घाटी कहाँ पर है तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और जब बात आएगी साइलेंट वैली साइलेंट वैली इज इन केरला ओके क्वेश्चन नंबर टेन इज़ कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित तो है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एम में है सो विल ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड द वायसराय ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था अट्ठारह सौ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज़ एटीन फिफ्टी एट भारतीय शासन अधिनियम अट्ठारह सौ के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय का दर्जा दिया गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज हु कॉल्स ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट संसद की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है ठीक है ज्वाइंट सेशन इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है उसको वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर और संयुक्त अगर कोई प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि ज्वाइंट सेशन इज़ मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल नंबर एक आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नंबर 13 इज निसेट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री जो निसेट है किस देश के संसद का नाम है तो निसेट जो है ये इसराइल के संसद का नाम है निसेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज़ हु वॉज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रेबेलियन इन एटीन फिफ्टी सेवन अट्ठारह सौ सन्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो अट्ठारह सौ सन्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो जो डी है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ओके okay? और जो ये डी है हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में है आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से फ्रॉम आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगर यही पूछा जाए कि कौन से पार्ट में है तो पार्ट इज़ पार्ट नंबर फोर एन आर्टिकल फ्राम थर्टी सिक्स टू तो फिफ्टी वन ओके क्वेश्चन नंबर डी पी एस पी वो हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक निर्देशक तत्व क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है तो जो न्यूयॉर्क है ये हरसन नदी के किनारे पर स्थित है और बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो ये साइन साइन ये एक नदी का नाम है इसके किनारे पर पेरिस बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है और टेम्स के किनारे टेम्स इसको कुछ लोग टेम्स बढ़ते हैं इसके किनारे लंदन बसा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का हमारा जो आंसर जो आंसर होगा वो होगा हरसन हर्सन विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 इज डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट डेविस कप किस खेल से संबंधित है तो बात करें अगर हम डेविस कप की तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है क्वेश्चन नंबर एटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो जो विटामिन के होता है ये रक्त के थक्का बनाने में हमारी मदद करता है ठीक है और विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज हो इज़ द राइटर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वेल्थ ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ एंड प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक रिपब्लिक आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए रिपब्लिक इज रिटन बाय प्लेटो अगर एरिस्टोटल अरि, की हम लोग बात करें तो अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखी गई है सो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एथ इज़ हु वाज द फ्राइम हु वाज द फर्स्ट ऑफ द तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे तो जैन धर्म के अगर हम बात करें पहले तीर्थंकर तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लॉर्ड महा, महावीर में और ऋषभदेव में मगर यहाँ पे सही आंसर होगा ऋषभदेव और अगर वहीं पे हम बात करें कि कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में सो तेईसवें तीर्थंकर थे पार्शर पार्शनाथ और चौबीसवें और अंतिम थे लॉर्ड महावीर सो आप इस, इस मतलब फैक्ट्स को याद रखिएगा कि जैन धर्म में टोटल हुए चौबीस तीर्थंकर पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव और ट्वेंटी थर्ड वॉज पार्श्वनाथ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही वाज लॉर्ड महावीर ये चौबीसवें तीर्थंकर थे ओके क्वेश्चन नंबर एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक चरक संहिता चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है और हाँ पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था व्हाट इज द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई मतलब किस कारण से जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण यानी प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है उस प्रक्रिया के कारण हमें जो आकाश का रंग होता है नीला मालूम होता है ठीक है मगर वो एक्चुअली में होता नहीं है नीला सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एजुकेशनल वीडियोज़ एंड कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे सो so, एक और अपना चैनल है यूनिवर्सिटी गुरुकुल जी वारियस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो थैंक यू